बाबरी विध्वंस मामले में पूर्व सीएम कल्याण सिंह को जमानत मिल गई है। जी हां, राहत भरी खबर पूर्व सीएम कल्याण सिंह के लिए। बाबरी विध्वंस मामले में जमानत मिल गई है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में कल्याण सिंह मौजूद थे आज और उन्हें जमानत दी गई है। 2 लाख के निजी मुचलके पर कल्याण सिंह को यह जमानत मिली है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह पर आरोप तय हुए हैं, लेकिन उन्हें अब जमानत जो है निजी मुचलके पर दे दी गई है। 1992 में ढांचा गिराए जाने के वक्त यूपी के सीएम थे कल्याण सिंह। आडवाणी, जोशी और उमा भारती सहित कल्याण सिंह समेत 21 नेताओं पर आरोप जो है वो तय किए जाने थे। सुप्रीम कोर्ट ने ढांचा गिराने के मामले में मुकदमा जो है चलाने की अनुमति दे दी थी। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन 2017 में कल्याण सिंह जो है वो राजस्थान के गवर्नर के पद पर थे। संवैधानिक पद पर होने की वजह से उन पर मुकदमा नहीं चल पाया था। संदीप खेर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, जानकारी चाहेंगे, एक कह सकते हैं कल्याण सिंह के लिए राहत भरी खबर, जमानत मिल गई। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से कल्याण सिंह काफी दिनों से मामले की चक्कर लगा रहे थे सीबीआई कोर्ट में, वहीं पर आज उनको 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। आपको बता दें इससे पहले कोर्ट ने कल्याण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए थे। वहीं कहीं ना कहीं पर जिस तरह से आज कल्याण सिंह को राहत मिली है, कहीं ना कहीं से आज उनको जमानत मिली है, तो उसमें उनको राहत भी मिली। आपको बता दें कि इस मामले में गवाही जिस समय ट्रायल पर वो चल रहे थे, और आपको एक बात और बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रोज इस मामले में सुनवाई चलेगी, इस मामले में रोज गवाही दर्ज होगी। अभी हालांकि किसी भी तरह की अगली सुनवाई की डेट सामने निकल कर नहीं आई है, तो कहा जा सकता है कि आज की जमानत से कल्याण सिंह को काफी बड़ी राहत मिली है। संदीप, आज की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ? जब कल्याण सिंह वहां पर पहुंचे तो उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ, आज सिर्फ आरोप तय हुए और निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई, आज का घटनाक्रम क्या कुछ हुआ वो जानना चाहेंगे डिटेल में। जी देखिए, आपको बिल्कुल बता दें, आज जो है वो इन पर सिर्फ आरोप तय किए गए, जिसमें अगर हम बात करते हैं इकट्ठा होने की, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की, आपराधिक साजिश में, इन सब को लेकर आज उन पर आरोप तय किए गए। हालांकि कल्याण सिंह के वकील की तरफ से उनकी खराब तबियत का हवाला भी दिया गया था, जिसके बाद अदालत ने कहीं ना कहीं से उसको देखते हुए भी उनको एक जमानत की अर्जी दी है। तो आज बहुत ज्यादा मामलों पर उनको लेकर बात नहीं हो पाई है। जिस तरह से आज कल्याण सिंह को जमानत मिली है, तो वो काफी राहत महसूस कर रहे थे। जिस समय वो वहां से बाहर निकले थे, तो उनके चेहरे पे वो राहत मियाद दिखाई दे रही थी। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राहत भरी खबर कल्याण सिंह के लिए, और थोड़ी बहुत राहत उनके चेहरे पर भी देखने को मिली।